अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एलोवेरा सूप को हम घर में बना के तैयार करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो शुरू करते हैं आज की रेमेडी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो यहाँ देखिए मैंने एलोवेरा के दो फ्रेश पत्ते लिए हैं। एलोवेरा का ऐसा मैजिकल ये पौधा है जो हर घर में लाजमी होना चाहिए। तो इसके हमने दो पत्ते लेने हैं। और पता है एलोवेरा हमारे स्किन के लिए इतनी कमाल की चीज़ है कि ये हमारे स्किन से तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करता है। हमारे स्किन पे दाग धब्बे स्पॉट जो होते हैं ओपन पोर्स हो जाते हैं ये इन सब चीज़ों को ख़त्म करता है। तो ये हर घर में लाजमी होना चाहिए। जो मेरी बहनें बाज़ार वाले महंगे महंगे ट्रीटमेंट नहीं ले सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बाहर की क्रीमें बहुत कॉस्टली होती हैं, वो नहीं यूज़ कर सकती, तो वो ये सोप लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत कमाल रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ देखिए मैंने दो एलोवेरा के पत्ते ले लिए थे। अब हमने क्या करना है, हमने इसको किसी भी ग्लास में इस तरीके से उल्टा करके रखना है ताकि इसका ये जो येलो पार्ट है, जो येलो इसका जेल है, ये निकल जाए। इसको हमने आधे घंटे के लिए पानी में इस तरीके से डिप करके छोड़ देना है। और अब मैं आधे घंटे बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए आधे घंटे बाद पानी देखिए कितना येलो हो गया था। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी स्किन पर जलन होना शुरू हो जाएगी। तो अब इसको हमने कर देना है डिस्कार्ड और एलोवेरा को हमने धोना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ देखिए एलोवेरा के पत्ते मैंने धो लिए थे और हमें सिर्फ और सिर्फ इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है होममेड एलोवेरा ग्लोइंग सूप बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो अदद सूप लिए थे पियर्स के और विटामिन ई के मेरे पास कैप्सूल्स हैं। और इसके अलावा इस सूप में कुछ भी यूज़ नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए एलोवेरा के पत्तों को हमने कट करना है और उसके बाद जिसके साइड्स के ये जो कांटे होते हैं ना इसको हमने कट करना है। ये आराम से कट हो जाएंगे और मुश्किल भी नहीं होगी, बहुत आराम से ये साबुन हम घर में बना के तैयार कर लेंगे। और आप देखिएगा इसका इंशाल्लाह आपको बहुत कमाल का रिज़ल्ट मिलेगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे आपके स्किन पे इंशाल्लाह। इसको बच्चे बड़े हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि गर्मी के सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे स्किन पे ये हो रही होती है कि ओपन पोर्स हो जाते हैं, स्किन पे दाने निकल आते हैं, स्किन रेड हो जाती है, स्किन पे जलन बहुत हो रही होती है। तो इंशाल्लाह ये सोप आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। ये सोप आप बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकती हैं। जब बच्चे बाहर से खेल के आते हैं या स्कूल से वापस आते हैं तो स्किन उनकी बहुत ज़्यादा जल रही होती है, जलन हो रही होती है, दाने हो जाते हैं, तो ये आप सोप बच्चों को भी ट्राई करवा सकती हैं। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत कमाल रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ देखिए इसके जो कांटे थे वो मैंने रिमूव कर दिए थे। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से बारीक बारीक कट करना है। बारीक इसको हम इसलिए कट करें ताकि ये हमारा ईजिली पेस्ट बन जाए। अच्छा जी, तो मैं आपको एलोवेरा के फ़वाद बता रही थी। एलोवेरा में मौजूद ऐसे बहुत से वाइटमिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोरियन और ग्लास स्किन के लिए मोस्टली लोग जो हैं वो एलोवेरा का यूज़ कर रहे होते हैं। और जो आप बाज़ार से महंगे महंगे क्रीम्स होती हैं, फेस वॉश होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो जो हम चीज़ें लेते हैं उसके आप इंग्रेडिएंट्स लाजमी पढ़ा करें। उसमें एलोवेरा जेल लाजमी यूज़ होता है जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं वो, इसलिए क्योंकि एलोवेरा हमारी स्किन पे मैजिकल सा काम करता है। दिखने में तो ये सिंपल सा एक पौधा है मगर ये किसी जादू से कम नहीं है हमारी स्किन के लिए। तो मैंने सारे पत्तों को कट कर लिए है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ब्लेंड करना है। किसी भी ब्लेंडर में आप इसको ब्लेंड कर लें मगर मेक श्योर ये कर लीजिएगा कि ब्लेंडर आपका साफ़ सुथरा हो, मीन्स कि उसमें कोई मसाला या कोई स्पाइस की स्मेल ना आ रही हो या वो ना पिसा हुआ हो। तो अब हमने क्या करना है, बस सिंपली मैं इसको ब्लेंड करूँगी और फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम निकालेंगे। आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे ये सोप लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। मेरी जिन बहनों की शादी होने वाली है या मेरे वो भाई जो परेशान हैं अपनी स्किन को लेके, बाहर काम करने जाते हैं तो फिर स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आजकल कराची में गर्मी भी बहुत है धूप की वजह से, तो वो ये साबुन लाजमी ट्राई करें। और ये कोई इतना इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे, इतना कॉस्टली भी नहीं है और बन के भी जल्दी तैयार हो जाएगा, तो इसलिए आप इसे लाजमी ट्राई करें। तो यहाँ देखिए ब्लेंडर में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, इसका पेस्ट जो है ना वो हमने अच्छा सा बनाना है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, इसलिए इसको थोड़ी देर तक हमने ब्लेंड करना है।
तो यहाँ तो देखिए एलोवेरा के पत्ते मेरे अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गए थे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको छानना है। किसी भी स्ट्रेनर की मदद से या कपड़े की मदद से आपने इसे लाजमी छानना है, ताकि इसमें कोई मोटा पार्टिकल्स या अगर कोई पत्ता ना पिसा हुआ हो तो वो इसके अंदर ना जाए, हमारे सूप में वो सेपरेट हो जाए। तो बस इसको इस तरीके से हम छानेंगे। मैं छन्नी की मदद से छान रही हूँ, आप भी इसको ऐसे ही छान सकते हैं। तो ये हमारा मैजिकल सा एक लिक्विड तैयार है, जो हमारी स्किन पे ऐसा कमाल रिज़ल्ट देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आप इस सोप को ना सिर्फ अपने फेस पे, अपने फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जूस मेरा एलोवेरा का तैयार था, इसको रखते हैं साइड पे। अब चलते हैं सोप की तरफ। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिए हैं पेयर सोप दो, और यहाँ मैं आपको सोप बेस भी दिखा रही हूँ। सोप बेस हर किसी को मिलना आसान नहीं होता, ये थोड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप इसे सोप बेस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको सोप बेस ना मिले तो आप सिंपली इसे पेयर सोप के साथ भी बना सकते हैं। मैं जो हूँ इसे पेयर सोप के साथ बना के दिखा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो मेरे भाई बहनें घर में मेरी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, उनके लिए आसान नहीं होता चीज़ों को लाना या सोप बेस जैसे लें या नहीं मिलता, मुश्किल होती है। तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग इसे जो है वो पेयर सोप के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं इसलिए इसे पेयर सोप के साथ बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसे हमने बनाना कैसे है। तो यहाँ देखिए, ये मेरे ऑर्डर के सोप थे, इसलिए मैं यहाँ पे दो पेयर सोप के साथ बना रही हूँ। अगर आपने अपने घर के लिए यूज़ करना है तो आप एक सोप के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए सोप को जो है वो मैंने कट कर लिया था, अब हमने इसे मेल्ट करना है। अच्छा जी, मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी। अगर आप माइक्रोवेव में ना करना चाहें तो आप इसे चूल्हे पे भी मेल्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, बस किसी भी पतीली में पानी गर्म करना है, और उसके बाद एक और कटोरे में करके अपने सोप को आप गर्म पानी में रख देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सोप मेरा मेल्ट हो गया था। अब इसमें मैं 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करूँगी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे 4 सोप बना रही हूँ, इसलिए मैंने 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज़ किए हैं। अगर आप जैसे 2 सोप बनाएं तो आप उसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालें, और अगर आपने 1 सोप बनाना है तो उसमें आपने 1 विटामिन ई कैप्सूल डालना है, ठीक है। विटामिन ई कैप्सूल भी हमारी स्किन के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। तो अब हमने क्या किया है, जो हमने एलोवेरा के पत्तों को पेस्ट बना के रखा था, वो हमने सारा इसमें अपने मेल्टेड सोप में डालना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ देखिए आप, बिल्कुल सिंपल सी और इजी रेमेडी है, इसमें आपके कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, कोई इतनी मेहनत नहीं लगेगी, जल्दी से आप बना के तैयार कर लेंगी। मगर ये है कि इसका रिज़ल्ट आपको बाज़ार वाले महंगे जो फेस वॉश होते हैं, जो आप सोप यूज़ करते हैं, उससे बहुत कमाल आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रीन फूड कलर। जस्ट ये हमने यूज़ करना है कलर लाने के लिए। वैसे तो कलर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका ग्रीन आया है, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा सा और ग्रीन करने के लिए मैंने इसमें कलर ऐड किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको मिक्स करने के बाद बस हमने क्या करना है, यहाँ देखिए हमारा मेल्टेड सोप जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब हमने इसको जमाना है। अच्छा जी, तो यहाँ देखिए, मैंने घर में जो आपके पास कटोरियाँ होती हैं आप वो ले लें, प्लास्टिक की हो या आपके पास स्टील की हो, कोई भी हो, आप उसमें इसे सेट कर सकते हैं। परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा कि अगर आपके पास कोई जमाने के लिए चीज़ ना हो या आपके पास सिलिकॉन मोल्ड ना हो, तो आप घर में भी इसे आराम से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बस इसमें सोप डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी सेट होने के लिए। अच्छा जी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे ओवरनाइट इसे छोड़ सकते हैं, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए, तो ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने सारी कटोरियों को जो है वो फिल कर लिया था। अब मैं इसे रखने जा रही हूँ ओवरनाइट, मैं इसे छोड़ दूंगी और मैं दिखाऊंगी फिर आपको सुबह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोप अच्छे से सेट हो गया है, और ये बिल्कुल बन के तैयार है। तो देखिए मैंने इसको बस इस तरीके से टर्न किया है, और ये आराम से बाहर आ गया। इतना कमाल का हमारा ये सोप घर में बन के तैयार हुआ है कि आप बाज़ार वाले महंगे महंगे सोप इंशाल्लाह लेना भूल जाएंगे। और आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि हमने इसमें अगर कलर ऐड किया है तो ये सोप कलर छोड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हमारी स्किन पे बहुत ही ग्लोइंग और बहुत ही ग्लासी जो स्किन होती है वो इफ़ेक्ट देगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को काइंडली लाइक करके कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।